जनाबे वाला साड़ी पीर जिनी देर तक सानू जुमला बुलाद नहीं साडा नीला कुंड मंदिर नहीं मिलेगा या साढ़े कोई 70 साल दे विच ए 1992 दे जेरे विचार केड़े फिरके नाल के केड़े बरादरी दे नाल जुमला बरादरी वाल्मीकि फिरका जी हां जी हिंदुआ दा हां जी टाइम चीफ जस्टिस दा पाकिस्तान दे टीम आई उन्होंने 2 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया जिधे डायरेक्टर काफ तो डायरेक्टर चेयरमैन काफ ने सानू बुलाया तुसी लैटर दे विच लिख के दिओ ये जनाब जी हरकत डॉक्टर का डायरेक्टर का चेयरमैन काफ कर रहा है उन्होंने एक टोट बंदा अमरनाथ रावा जिन्हों का तलुका अमरनाथ रंधावा रंधावा आप लोग जो है शूदर जो अपना हिंदू की कास्ट उसमें से निकले और ये बाद में वाल्मीकि बन गया जी जी उनकी नस्लों में से निकले हैं तो काम भी हमारा वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ हिंदू बरादरी के वाल्मीकि जो फिरका है उसके जो अहबाब हैं दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन उनका इशू ये है, उनका मतालबा ये है कि नीला गुंबद के अंदर मौजूद जो वाल्मीकि मंदिर है उसकी तामीर के अंदर जो हायल रुकावटें हैं उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए। नाज़रीन इस मंदिर के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ग्रांट मौजूद हुई थी। ये मंदिर भी दूसरे मंदिरों की तरह 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी तो उसके रिएक्शन में यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, शहीद किया गया। नाज़रीन यहाँ पे जैन मंदिर जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक बड़ी लागत से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बना दिया गया है और अब जैन मंदिर में जाएं तो वहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा देता है और लोग जो हैं अपनी पूजा पाठ का अमल जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 28 के करीब मंदिर जो शहीद हुए थे उनकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन इस मंदिर के अंदर जो है इसकी मंदिर की जो तामीर है अपना मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ आर्जी तौर पर की गई थी लेकिन इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी। अब इसकी 2 करोड़ रुपये की ग्रांट है और कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी हुक्म दिया है कि इस मंदिर को फौरी तौर पर जो है तामीर किया जाए ताकि वहाँ के जो इलाका के लोग हैं अपनी पूजा पाठ कर सकें। लेकिन नाज़रीन ऐसा हो नहीं रहा बल्कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे अपने जो ज़ाती मफादात जो हैं उनका हसूल चाहते हैं और ख़ास तौर पर जो महकमे के जो लोग हैं इनका कहना है कि महकमा औक़ाफ के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर हैं वो हिंदू जो लोग हैं उनमें एक जो अमरनाथ रंधावा साहब हैं जो कि वाल्मीकि जो फिरका है उससे उनका कोई तल्लक नहीं है लेकिन वो फिर भी अपना उसके ऊपर हक जताते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये इनका कहना है कि वाल्मीकि हिंदू हम हैं तो हमारा ही इस्तेकाक होना चाहिए और हमें ही मतलब जो इसका इंतज़ाम इनसे इस्लाम जो है वो दिया जाए। लेकिन पहली बात ये कि सबसे पहले ये मंदिर तामीर तो हो लेकिन मंदिर तामीर नहीं होने पा रहा। बसीदिन से बात कर रहे हैं करते हैं कि ये क्या इनके पास क्या तफसीलात है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। की नाम है तेरा? मेरा नाम है बाबा असलम। बाबा असलम हाँ जी ए 1992 दे चेहरे विचार केड़े फिरके नाल के किन केड़े बरादरी दे नाल जुमला बरादरी वाल्मीकि फिरका जी हाँ जी हिंदुआ दा हाँ जी नहीं हिंदुआ दा नहीं आंदा जुमला बरादरी लहदा है ये गुरु वाल्मीकि स्वामी दा एक स्वामी जी दा ये जनाब मंदिर 100 साल तो ये मंदिर बनया है इत्थे जनाब साडी नस्ल बर नस्ल इत्थे चलती रही है ओही अज है बच्चे जिहड़े तुहाडे सामने खड़े ने साडे प्यो दादे बच्चे असी इत्थे ही जमे आ इत्थे ही पले आ ये 200 घर हैगा ही साडा इहदी फर्त जिहड़ी है PT1 ये बनया है जुमला बलादरी नीला कुंड मंदिर गुरु वाल्मीकि स्वामी प्राइवेट ये सिर्फ एदा रोल हैगा जिहड़े डायरेक्टर काफ ते महकमा काफ साढ़े ना शिकवा करता है वो कहता साढ़े ना राइड करो साढ़े ना करो असी तुहानू हर एक चीज़ प्रोवाइड करांगे। असी जनाब उत्थे हर साल तमाम मीडिया तमाम थाने तमाम SP जदों दा कोई प्रोग्राम हुंदा है तुहाडे नोटिस विच भी हैगा वड्डे तो वड्डा प्रोग्राम उत्थे कीता गया अमन दा पैगाम होया ते असी ये तुहानू दसने आ इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे टीम आई
उन्होंने 2 करोड़ रुपया का फंड मंजूर किया, जिहड़े डायरैक्टर काफ तो डायरैक्टर चेयरमैन काफ ने सानू बुलाया, तुसी लैटर दे विच लिख के दिओ, असी यह मंदिर दुकाना जिहड़ियां सारियां मैं सुभाग करके असी यह बनाया जे। सर असी जंपल उत्थों दे आ, 70 साल सानू उत्थे जंपल हो गया, वो दुकाना जिन्हां लोकां दी हैगियां कदीमी साडा उन्हां नाल तल्लुकात हैगा, असी नहीं चाहिए जे इस तरह के अपने पल्यो दे गई कोई अपनी बलादरी के बंदे मरवाइए या असी कोई उत्थे गामा शुरू करिए। जनाब जी हरकत डॉक्टर का डायरैक्टर काफ चेयरमैन काफ कर रहा है, उन्होंने एक टोट बंदा अमरनाथ धरावा जिन्हों का तल्लुका अमरनाथ रंधावा रंधावा जिसे जनाब है महकमा काफ गढ़ी शोक के एक साई मन्ने के डेरे उत्ते महकमा कारपोरेशन की 6 कनाला जगह कब्जे की, वो चंद दिन बाद बेच देगा, वो डायरैक्टर साथ भी लिया है। इस तरह ही जनाबे वाला साड़ी फील है, जिनी देर तक सानू जुमला बलादरी साडा नीला कुंड मंदिर नहीं मिलेगा या साढ़े कोई 70 साल के बीच नीले कुंड मंदिर का एक परचा भी काढ़ दें, एक कोई लड़ाई झगड़ा भी काढ़ दें, जनाब असी मंदिर तुहाडे कोलों नहीं मंगदे। थाना भी पुरानी नाल करी दा मौजूद है, डीसी भी मौजूद है, हर साल साढ़े वड्डे वड्डे प्रोग्राम होए ने, हुण इह की करदे पए ने सानू नहीं पता। असी उहदे वास्ते मीडिया कोल अखबारां वालिआं दे कोल तमाम दान के शुक्रिया अदा करना, सानू ये 70 साल साढ़े जिहड़े वड्डे वडेरे जुमला बलादरी दे इत्थे रहे ने वो बेशक। अच्छा जुमला बरादरी जी शूदर जी कम्यूनिटी है शूदर, हाँ जी हाँ जी, ये मतलब हिंदुओं की जी कास्ट थले वाली कास्ट है उन्होंने तलक जी जी, वो दो लड़िया दो गलिया जड़िया दस बी आलमिक स्ट्रीट गली मारी है उधर मशहूर पुरानी, और सारे शूदर शूदर फिरके ना तलक, उनकी नस्लों में से हम हैं, उनकी नस्लों में से हम निकले। आप लोग जो हैं शूदर जो अपना हिंदू की कास्ट उसमें से निकले और ये बाद में वाल्मीकि बन गया। जी जी उनकी नस्लों में से निकले हैं, तो काम भी हमारा वही है, वही काम में हर महकमे में हमारे लड़के लगे हुए सफाई का ही काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, शुरू से हम लेके अब तक 1200 साल हो गए उस मंदिर को, 1200 साल हो गया जी नाजरीन, 1200 साल पुराना जो मंदिर है उसकी तामीर के अंदर जो रुकावटें हैं वो हायल हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट भी जो है इसकी तामीर के लिए मंजूर की है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना हुक्म भी जारी किया है कि इस मंदिर का फौरी से पहले तामीर किया जाए। लेकिन नाजरीन कुछ जो हैं करप्ट ऑफिसर जो हैं अफसरान जो है महकमे के और कुछ टाउट लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि ये मंदिर बने, और अगर बने तो उनके अपने जो है हिसाब से बने ताकि वो इसके अंदर जो है अपनी करप्शन का जो राज है वो अपना जो है जारी रख सकें, उसका अपना लोहा मनवा सकें। तो नाजरीन ये मंदिर जो है इसकी तामीर जो है पाकिस्तान में जैसे दूसरे 28 मंदिर जो है तकमील को पहुँचे हैं, जैसे जैन मंदिर का खूबसूरत मंदिर जो है वो भी अपनी तकमील तक पहुंच गया हुआ है, तो ये मंदिर जो है ये भी फौरी से पहले तामीर होना चाहिए। इसके ऊपर जो है हुकूमत वक्त जो है और मुतलका अदारों को फौरी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और इससे पहले जो आपने सुप्रीम कोर्ट से तो ठीक है रब्ता किया, क्या आपने किसी और से भी इसकी दरख्वास्त दी कि इस मंदिर के ऊपर काम किया जाए? ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसके बाद किसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे इधर जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन का बहुत मसला है। जब आर्डर आ जाते हैं आर्डर तो दे देती है अदालतें, लेकिन अदालतों का जो आर्डर है वो इम्प्लीमेंट करना जो होता है अथॉरिटीज़ का काम है। अब आपके सामने वो अथॉरिटी जो है वो ही रुकावट है? नहीं सर ऐसा नहीं हैगा, ये साडा ही MNA है नमेश कुमार, हाँ हाँ, जो सिंध का है जिहड़ा MNA हिंदू बलादरी का सरबरा वे रमेश कुमार, हाँ जी, उन्हें नोटिस करवाया सी, उन्हें पूरे पाकिस्तान के मंदिर बनवाए गए ने, और रमेश कुमार साहब का यह लैटर के भी साढ़े को सुप्रीम कोर्ट की कापी है, वह आर्डर उ टीम इतने चीफ जस्टिस की आई थी, उन्होंने मुकर्र किया, लेकिन उन्होंने डायरैक्टर तो ये अपनी मन मर्जी कर रहा है, वो कहता जिवें असी कहने उंज कर दो। सर अं गरीब बंदे हाँ मजदूर बंदे हाँ,
ना तो असी कोई सैन करके देने ने ना सानू पता है जिमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन्हों क्या ये हिसाब देन बना के देन या ना देन असी नहीं ये काम कर सकते। नाज़रीन ये इनका मकसद कहने का ये है कि जिस जगह पे ये मंदिर है वहाँ पे कुछ लोगों की मकामी लोगों की दुकानें हैं और उनके कारोबार के छोटे छोटे मराकज़ हैं और ये जो लोग हैं ये आम और गरीब लोग हैं इनको जो महकमा औकाफ है वो जो उसने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें और यूँ इनको ख़तरा है कि जब ये बात उनके साथ की जाएगी उनका रोज़गार छीना जाएगा तो वहाँ पे नक्शे अमन का जो है पैदा होने का ख़दशा है। नाज़रीन की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये खुद क्यों अपने हाथ कानून में ले जबकि कानून जो है वो खुद से हरकत में आए। ये एक हमारी जो है कम्युनिटी है और ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके जो हकूक़ हैं उनके जो उनके हकूक़ का तहफ़ है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर ऐसा ना होता तो हुकूमत पाकिस्तान 2 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट जो है वो क्यों रखते और यूँ इसी तरह 28 के करीब मंदिर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। नाज़रीन तो ये जो मंदिर है इसके अंदर जो हायल जो रुकावटें हैं उसको फिलफोर जो है ख़त्म किया जाना चाहिए और ये जो चेयरमैन औकाफ हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टर औकाफ हैं और अमरनाथ रंधावा जो है जो कि इनके मुताबिक विदाउट है और उनको फौरी पाबंद किया जाए कि वो इस मंदिर की तामीर के अंदर रुकावट ना पैदा करें वरना उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाए। इसी के साथ मैं आपका हो जाऊंगी रियात आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये स्टोरी जो है ये पसंद आई तो इसके ऊपर कमेंट करना इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।